इस संवाददाता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री रूपनारायण मेहता जी भी आपके साथ हैं। आज कल एक ऐतिहासिक दिन था जब सम्राट अशोक के शिलालेख की मुक्ति हुई और इस मुक्ति को हम एक विजय दिवस के तौर पर भी मनाने का काम करेंगे और हम शिलालेख पूजा भी करेंगे। अगले 10 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर शिलालेख की पूजा करने का भी काम करेंगे। ये हमारा इतिहास है। हम भारत सरकार को और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि सासाराम की घटना, आप सोचिए कि लगभग 25 साल से उस पर अवैध कब्जा किया गया और लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के राज में तुष्टिकरण के चलते वहां सम्राट अशोक के शिलालेख को आजाद नहीं किया जा रहा। हम प्रधानमंत्री जी को इसलिए विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमने 1 अक्टूबर को इस पे धरना दिया था और उसके बाद ही प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी, इसको खाली कराया गया कि नहीं किया गया। पुरातत्व विभाग भारत सरकार को लगातार वहां बैठक करने के लिए भेजा गया और वहां के चाबी ये भी सोची कि कांग्रेस पार्टी के एमजी अंसारी जी के द्वारा, ये कांग्रेस पार्टी के नेता है, ये सम्राट अशोक के शिलालेख को कब्जा किए हुए थे, ये कांग्रेस पार्टी के नेता है। इसलिए महागठबंधन के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा इतिहास दुनिया देखे। हम जिस भारत के अशोक स्तंभ की पूजा करते हैं, हमारा पहचान है उस अशोक, सम्राट अशोक के शिलालेख को ये दिखाना नहीं चाहते, उसको अवैध कब्जा किया गया। और लगभग 12 चिट्ठी भारत सरकार ने भेजी बिहार सरकार को, बिहार सरकार के कान पर जू तक नहीं रहा। और जब हम लोगों ने धरना दिया, पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पत्र मुख्यमंत्री को लिखा, कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के कार्यालय ने पूरी तरह पुरातत्व विभाग को भी मॉनिटरिंग किया, आप जाए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की, मैं स्वयं गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रोटोकॉल तोड़कर, मैं कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जा में हूँ तो भी मैंने प्रोटोकॉल तोड़कर जाकर ज्ञापन दिया और ये आग्रह किया कि इसको यथाशीघ्र कार्रवाई किया जाए। हम जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं, उसने पूरी कार्रवाई की। पुरातत्व विभाग वहाँ पर जाकर लगातार बैठा रहा और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए हम लोग अब इसके सेकेंड फेज में आएंगे। अभी एक चाबी उपलब्ध कराया गया है पुरातत्व विभाग को और हम वहां जाकर उस शिलालेख की पूजा करेंगे और जब शिलालेख की पूजा कर लेंगे तब पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा शिलालेख सुरक्षित है। और उसके बाद हम भारत सरकार से और बिहार सरकार से भी डिमांड करेंगे कि आप उसके सौंदर्यीकरण का काम करें। हम अभी गुजरात के चुनाव प्रचार में थे और जूनागढ़ में इसी तरह का शिलालेख एक पड़ा हुआ है, उसको किस तरह का पूरा व्यवस्था डेवलपमेंट का काम वहां किया गया राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और आज आप सोचिए कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद हमको शिलालेख हम आजाद करा पाए, क्या दुर्भाग्य है इस बिहार का, इस देश का, कि जिस राजा ने अखंड भारत का सपना देखा था, जिस राजा ने इस भारत की कल्पना की थी, सबको जोड़ने का काम किया था, उस राजा जो हिंदुस्तान का प्रतीक है, आज भी तिरंगे में गोल चक्र जो है सम्राट अशोक के हैं, अशोक स्तंभ उनके हैं, उसके बाद भी इस तरह की स्थिति बनी हुई अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और लोग यदि ये कहते हैं, कुछ लोग
सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म तो वो है नहीं, वही सांप्रदायिक है। तुष्टिकरण राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के लोग कर रहे हैं। आप यदि किसी एक समुदाय को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, यही तुष्टिकरण है। और हम सबकी बात करते हैं, बौद्ध धर्म अल्पसंख्यक समाज में माने जाते हैं बिहार, और लेकिन हम पूरे भारत के लोगों को हिंदू समाज, भारत, भारतीय मानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को और आगे संतुष्टि का भी कार्यक्रम करेगी, शिलालेख पूजा भी करेंगे और विजय उत्सव भी हम सासाराम में मनाने का काम करेंगे। कि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, और क्या दिन आ गया नीतीश कुमार जी, ये हमको पूरी तरह याद आ रहा है कि ये लालू जी का दौर आ गया। लालू जी के दौर में बीपीएससी के चेयरमैन जेल जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि वो अपने सगा संबंधी, अपने लोगों को उसमें भर देते। अब नीतीश कुमार जी के राज में भी क्वेश्चन आउट हो रहे हैं, नौ नौ प्रश्न गलत है। कैसा बीपीएससी बना दिए भाई? आप यदि ऐसा बीपीएससी बना रहे हैं तो आपको इंजीनियर कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। घर जाइए, कल्याण बीघा में बैठिए, क्या कर रहे हैं आप बीपीएससी को? क्योंकि यह मुख्यमंत्री का दायित्व है। 32 साल से लालू नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं, कोई दूसरा दोषी नहीं हो सकता है, सिर्फ लालू और नीतीश दोषी है, ये जान लीजिए आप। और मुख्यमंत्री क्योंकि होम मिनिस्टर भी हैं और बीपीएससी भी उन्हीं के कंट्रोल में है, तो हम तो ये डिमांड करते हैं कि उनको इस्तीफा करना चाहिए, कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनका मांग जायज है, वो लगातार, हम लोग कोई इसमें राजनीति नहीं करेंगे, उनको स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि छात्रों के हित में आप काम करें, कार्रवाई करें, और जो दोषी पदाधिकारी है बीपीएससी के उसके खिलाफ कार्रवाई करें। स्वाभाविक है कि एनडीए की भी सरकार बनी थी। देखिए, हम मैंने बड़ा स्पष्ट कहा, देखिए कॉल अटेंशन वहां के लोगों ने किया, और जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया, देखिए राजनीति में जिन चीजों को बताया जाता है, जब हम लोगों को संज्ञान में आया कि सम्राट अशोक के शिलालेख को वहां पर घेर के रखा गया चंदन पहाड़ी पर, तो हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई की और तुरंत जाकर वहां धरना भी दिया और वहां पर मॉनिटरिंग भी कराने का काम शुरुआत किया। और प्रधानमंत्री जी को इसलिए विशेष तौर पर धन्यवाद दे रहा हूं कि लगातार प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से इसकी मॉनिटरिंग होती रही। बिहार में और भी ऐसे धरोहर हैं सम्राट, एकदम जहां पर भी वंदना जी आपके माध्यम से या प्रदेश के कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस तरह की सूचना प्राप्त होगी, तुरंत भारतीय जनता पार्टी और हम लोग इस पूरे बिहार के गौरव और भारत के गौरव को बचाने का काम करेंगे। अराजक के साथ है भारतीय जनता पार्टी, जब तक उनके साथ थी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने डिक्की में बैठकर और नीतीश कुमार जी को एक ड्राइविंग सीट दिया हुआ था। बीच वाले सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं बैठता था। यहां तो अब कल तक आप ही लोग देखते थे ना कि पीछे फोटो नहीं लगता था। नीतीश जी के एनडीए के राज में वो कहते थे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, एक ही फोटो लगेगा। अब कैसे दो फोटो लग रहा? राजनीति में उनका अस्तित्व खत्म, सिद्धांत खत्म, और बिहार की जनता ने यह स्पष्ट मोकामा और गोपालगंज में कहा कि नीतीश कुमार जी के पास, अपनी पार्टी के पास 1000 वोट है, इससे अधिक कुछ नहीं।